मॉर्निंग एवरी वन वेलकम टू अर टू फोर सेवन आई एस मेरा नाम है प्रीति चौधरी और हम कर रहे हैं एनवायरमेंट के मोस्ट एक्सपेक्टेड एम सी क्यूज राइट एनवायरमेंट के पर्यावरण के मोस्ट एक्सपेक्टेड एम सी क्यूज हम कर रहे हैं दो हजार चौबीस फिल्म के लिए गुड मॉर्निंग अश्विनी फुलित कोकर कुशपाल सिंह वेरी गुड मॉर्निंग हरिओम गुड मॉर्निंग प्रतीक्षा श्रेया गुड मॉर्निंग ठीक है तो स्टार्ट करते हैं हम स्टार्ट करने से पहले प्रणाम महेंद्र शर्मा स्टार्ट करने से पहले आप इस सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए शेयर जरूर कर देना जिससे कि सब जो भी और हमारी ये क्लासेस देखते आ रहे हैं एनवायरमेंट के वो सब सारी क्लासेस ये देख सकें ये जो हमारे एम सी क्यूज है ये मेनली करंट अफेयर बेस्ड बच्चे हैं करंट अफेयर बेस्ड है और वी ऑल नो कि करंट अफेयर से ही एनवायरमेंट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं राइट right? और वो करंट अफेयर्स इतने इजी नहीं होते हैं कि आप बस पढ़ लिया द हिंदू से ऊपर ऊपर या फिर कहीं से भी वो हो जाए गुड मॉर्निंग सोनिया धिलिपन तो ऐसा नहीं होता है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है ठीक है और क्या चाहिए करंट अफेयर्स में डेप्थ एनालिसिस आपको करना होता है तो वो आपका यहाँ से कवर हो रहा है अभी तक अगर मैं आपको बताऊं तो मिड नवंबर तक 15 दिवाली दिवाली वाला नवंबर आई हैव कवर्ड करंट अफेयर्स में पर्यावरण के अक्टूबर भी कवर कर लिया है मैंने एंड जुलाई इज ऑल्सो कवर ठीक है आज जुलाई का कुछ पार्ट से और अगस्त आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये आज से आपका स्टार्ट होने वाला है अगस्त तो सारे मंथ्स के जो करंट अफेयर्स हैं पर्यावरण के मेनली वो सब आपके यहां से कवर हो जाएंगे और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी आपके यहां से होने वाली है तो एनवायरमेंट की पर्यावरण की आपको चिंता नहीं करनी है क्योंकि हम सब कर रहे हैं करंट अफेयर्स भी कर रहे हैं एनवायरमेंट का और जो भी हम एमसीक्यूज हैं वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं जो भी एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं बेटा ठीक है तो सब गुड मॉर्निंग मनीषा तो सब क्लास को जो है शेयर कर दीजिए स्टार्टिंग में ही जिससे कि हम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ ठीक है बच्चे मेरा नाम प्रीति चौधरी है एंड आई हैव गिवन टू यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस आई हैव ऑल्सो क्लियर यू पी असिस्टेंट कमांडेंट रिटर्न एग्जाम मल्टीपल टाइम्स एंड आई हैव मोर देन टू ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस ठीक है किसी भी बैच में अगर आपको एडमिशन लेना है टू फोर सेवन आई इसके तो आप ले सकते हैं और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड लगाएंगे विच इज ठीक है बच्चे और डायरेक्ट जाएगी ठीक है जैसे कि प्रम से बाज भी आप ले सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं हम और सबको जल्दी से आंसर करना है ठीक है सबको जल्दी से आंसर करना है अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है यह आपको इसी से पता चल जाएगा कौन कौन बता सकते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है गुड मॉर्निंग बीएम कुमार अमित यादव तो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है टाइगर के ऊपर ठीक है टाइगर्स के ऊपर हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है सबको दिख रहा होगा गुड मॉर्निंग अमित भावना तो पहला क्वेश्चन है बेंगाल टाइगर्स के ऊपर राइट बेंगाल टाइगर्स आप सबने सुना होगा गुड मॉर्निंग आनंद कुमार तो बेंगाल टाइगर्स के ऊपर हमारा क्वेश्चन है पहला क्यों है ये क्वेश्चन ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देती हूं क्योंकि इंटरनेशनल टाइगर डे इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व किया गया था ग्लोबली ऑन ट्वेंटी नाइन्थ जुलाई ठीक है उन्तीस जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस अंतरराष्ट्रीय बाघ इंटरनेशनल टाइगर डे ठीक है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे टाइगर दिवस सेलिब्रेट किया गया था जुलाई को ये सेलिब्रेट किया जाता है पीसीएस के लिए आपको ये याद रखना है गुड मॉर्निंग मेघा ठीक है टाइगर्स तो के ही ऊपर है फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेंगाल टाइगर देखिए पहला स्टेटमेंट है यह भारत बांग्लादेश भूटान और नेपाल के जंगल और आर्द्र भूमि को बाधित करता है मतलब ये यहाँ पर मेनली पाया जाता है ठीक है बच्चे दूसरा है इसे IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित मतलब वर्लरेबल कैटेगरी में रखा गया है पूछा है कि कौन सा करेक्ट है जल्दी से सब आंसर करो, बता सकूं। 29 जुलाई टाइगर डे यस भावना सोनिया सुमिता यस चैट बॉक्स को सबको, कुछ कुछपाल सिंह वेरी गुड रामकृष्ण यस उनतीस जुलाई ठीक है बच्चे सब जल्दी से आंसर कर दो जिससे कि हम आगे बढ़ते हैं और क्लास को शेयर भी आप कर दो सब जिससे कि सब पर्यावरण के क्वेश्चन ये कर पाए ठीक है एनवायरमेंट को प्लीज इजीली आप लोगों को नहीं लेना है एनवायरमेंट क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी वेटेज सबसे ज्यादा हमें देखने को मिल रही है तो अगर 2024 में आप फेल नहीं होना चाहते हैं 2023 और 2022 का पेपर आप देख चुके हैं तो 2024 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको देनी है एनवायरमेंट को बच्चे ठीक है पर्यावरण को ऐसे ही नहीं लेना है आसानी में कि हो जाएगा हो जाएगा नहीं होएगा ऐसे ए मोस्टली बच्चे आंसर कर रहे हैं ए का मतलब है केवल एक सिर्फ पहला वाला सही है ओके okay. और ये सही है वेरी गुड पहला स्टेटमेंट ही आपका सिर्फ सही है ओनली वन दूसरा क्यों सही नहीं है देखिए क्योंकि कैटेगरी वलनरेबल नहीं है कि फैक्ट्स अबाउट बेंगाल टाइगर अब हम देख लेते हैं एनवायरमेंट तो लग भी हार्ड रही है यस yes, आती भी हार्ड है बेसिक से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं एनवायरमेंट में कि एनवायरमेंट क्या है इकोसिस्टम क्या है राइट फूड चेन इन सब से क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिल रहा है अब करंट अफेयर्स भी जा रहा है और करंट अफेयर्स में भी ऐसे करंट अफेयर्स जो कि थोड़े डिटेल में पता नहीं कहाँ ही हमें सुनने को मिलते हैं तो हमें पूरा डिटेल में करंट अफेयर्स करने होते हैं ये yes, भावना जगती वेरी गुड ठीक है देखिए तो ये जो है कहाँ पर बांग्लादेश में याद रखना है ये डिटेल बांग्लादेश भूटान नेपाल और इंडिया ठीक है बच्चे बी बी आई एन एन ये आप इंटरनेशनल रिलेशन में भी पढ़ा होगा वैसे बट यहां पे आप याद रख लो एन बेंगोल टाइगर बीबीआईएन क्या है बच्चे यहां पर बांग्लादेश भूटान इंडिया एंड नेपाल ठीक है बांग्लादेश भूटान इंडिया एंड नेपाल गुड मॉर्निंग हर्ष तो इन चार कंट्रीज में बंगाल टाइगर इनहेबिट करता है फाइन यस आनंद कुमार ये करंट अफेयर्स बेस्ड है और जो भी इनका बेसिक जो बैकग्राउंड होता है वो भी मैं कवर कर रही हूं तो बीबीआईएन याद रखना है बंगाल टाइगर कहां पाया जाता है फिर दूसरी चीज है बंगाल टाइगर की आयुसीएन स्टेटस क्या है शेड्यूल right? so सबको याद है बच्चे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं और उसमें शेड्यूल होते हैं जो कि छ थे पहले रिसेंट अमेंडमेंट हुआ इनको कम करके फोर कर दिया गया ठीक है राइट right? बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल ये सब ऐसे ही यूज करते रहिए बॉक्स का लिखते रहिए जो भी चीजें आपको देख लीजिए बंगाल टाइगर ठीक है बच्चे लुप्त प्राइस की कैटेगरी ये है और बीबीआईएन सबको याद रखना है बीबीआईएन बंगाल टाइगर बीबीआईएन और इंडेंजर्ड ये दो चीजें सबको याद रखिए बंगाल टाइगर के बारे में सेकेंड क्वेश्चन हमारा है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के बारे में अगर आप लोग न्यूज पेपर पढ़ रहे हैं तो आप सबने सुना होगा ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान दैट इज ग्रैप जी आर ए पी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान क्या है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान मेनली पोल्यूशन जो हो रहा है उसको कम करने के लिए है यहां पर दिल्ली एनसीआर में ठीक है एनसीआर रीजन में graded रिस्पॉन्स एक्शन प्लान प्लान आ रहा है तो मतलब एक प्लान ही है ये राइट गुड मॉर्निंग लबासना ठीक है बच्चे तो बच्चे ना आंसर करना शुरू कर दिया है जल्दी से आंसर कर दो इस चीज का इस क्वेश्चन का दिल्ली एनसीआर से रिलेटेड है यस yes, कुशपाल जल्दी से आंसर कर दो बच्चे भावना श्रेया बी कह रही है सोनिया भी बी कह रही है मतलब केवल टू क्या क्या स्टेटमेंट है हम पढ़ लेते हैं एक बार पहला है इट इज अ सेट ऑफ इमरजेंसी मेजर्स मतलब कुछ मेजर्स उसमें दिए गए हैं किक्स इन टू प्रिवेंट प्रिवेंट करने के लिए फॉर द डिटोरिएशन ऑफ एयर क्वालिटी जो हमारी हवा की वायु की जो क्वालिटी है वो और ना बिगड़े उसको रोकने के लिए ये जो ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान है कुछ मेजर्स इसमें दिए गए हैं ठीक है बच्चे और ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है गलत है क्यों है गलत देखिए बच्चे कुछ भी किसी को इशू आता है तो प्लीज आप लोग बता देना एक सेकेंड कुछ भी किसी को कुछ इशू आता है तो प्लीज आप लोग बता देना ठीक है देखिए सारे राज्यों में ये नहीं है एप्लीकेबल कहां पर एप्लीकेबल है बच्चे ये एनसीआर में नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर में कौन कौन सी कौन कौन से हमारे स्टेट या यूटी आते हैं जल्दी से सब जल्दी से कमेंट में बता दू यह श्रेया ऑल स्टेट्स में ये नहीं है एनसीआर में ये है ठीक है दिल्ली एनसीआर कौन कौन से स्टेट्स और दिल्ली के अलावा एनसीआर में आते हैं जल्दी से सब बताओ दिल्ली हमारी कैपिटल है डेली और कौन कौन से स्टेट्स आते हैं एनसीआर में कौन कौन से स्टेट के कुछ डिस्ट्रिक्ट आते हैं किसी किसी की तो जल्दी से बता दो कि कौन कौन से स्टेट्स आते हैं जल्दी से सब कॉमेंट बॉक्स में लिखेंगे है ना तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है देन इट वाज फर्स्ट टाइम नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज क्या है ये हमारा सही स्टेटमेंट है बच्चे क्योंकि ये पहले सबसे पहले 2017 में नोटिफाई किया था ये हमारी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने ही नोटिफाई किया था 2017 में सबसे पहले इसको नोटिफाई किया गया था ठीक है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ठीक है बच्चे तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है तो टू हाउ मैंने पूछा है तो ओनली टू बी सब मोस्टली बच्चे सही आंसर आप कर रहे थे वेरी गुड ठीक है वेरी गुड मतलब आप लोग पढ़ रहे हैं दिल्ली हरियाणा ओके okay, और बताइए राजस्थान आनंद कुमार ने बोला हरियाणा ओके okay, नोएडा बच्चे ठीक है यूपी आप बोल दो उसको हरियाणा यूपी और यस गाजियाबाद गाजियाबाद भी आता है यस ठीक है यूपी का ही पार्ट है एंड राजस्थान कुशपाल ने आंसर करा है को राजस्थान भी कुशपाल ने बोला है वेरी गुड ठीक है राजस्थान कभी आता है बच्चे तो राजस्थान भी सारा नहीं आता है और हरियाणा यूपी में जैसे बहुत सारा यूपी का तो बहुत सारा आता है मेरठ भी आता है गाजियाबाद नोएडा ये सब आता है ठीक है और दिल्ली तो आगे बढ़ते हैं ये वाले क्वेश्चन का आप सबने सही आंसर किया था वेरी गुड अब देख लेते हैं कि ये क्यों न्यूज में था ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान रिसेंटली न्यूज में क्यों था क्यों ये खबरों में था ठीक है बच्चे देखिए रिसेंटली द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ठीक है पिछले साल आपने सुना होगा कि एक बिल लाई सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट जिससे कि ये कमीशन बनी ठीक है एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ये जो आयोग है ये लास्ट ईयर बनाई गई थी ठीक है इसलिए है बच्चे ये एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो वायु की जो क्वालिटी है उसका प्रबंधन उसका मैनेजमेंट करने के लिए ये आयोग बनाया गया था क्योंकि एयर क्वालिटी एक बहुत ही मेजर कंसर्न है हमारा दिल्ली एनसीआर में तो इसलिए ये जरूरी था ये बनाना ग्रैप फोर स्टेजेस यस कुशपाल वेरी गुड ठीक है बच्चे तो रिसेंटली ये जो कमीशन है जो आयोग ने इसने अनाउंस करा है रिवीजन रिवाइज किया है ग्रिन रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को ठीक है और ये जो नया प्लान है जो नया जो जो चेंजेस करे गए हैं कब से एप्लीकेबल हो गई कब से अप्लाई करेगा एक अक्टूबर 2023 से ही अप्लाई कर चुका है इन एंटायर एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन ठीक है तो रिवाइज ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ये जो कमीशन है आयोग ने अनाउंस किया है ये हमारी न्यूज में था ठीक है बच्चे अपग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान क्या है सेट ऑफ एमरजेंसी मेजर्स हम कर चुके हैं सबसे पहले नोटिफाई किया गया दो हजार सत्रह में एनवायरमेंट पर्यावरण मंत्रालय ने इसको अनाउंस किया गया था ठीक है बच्चे यह आपातकालीन उपायों का एक सेट है क्या उपाय क्या मेजर्स इसमें है हवा की वायु की जो क्वालिटी है उसको और डिटोरिएट और वो ना बिगड़े उसको प्रिवेंट करने के लिए ये मेनली मेजर्स हैं यहाँ पर ठीक है बच्चे आगे बढ़े हम आगे बढ़ते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है क्या होने वाला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस इमेज को देखकर आप बता सकते हैं इसको देखकर आप बता सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वेल्स के बारे में ब्लू वेल के ऊपर है क्वेश्चन हमारा ब्लू वेल्स ठीक है ब्लू वेल्स के ऊपर हमारा क्वेश्चन है तो ब्लू वेल्स हम सभी सुनते हैं ठीक है तो ब्लू वेल्स के ऊपर कुछ हमारी स्टेटमेंट्स कुछ कथन दिए हुए हैं हमारे क्वेश्चन में वो देख लेते हैं ब्लू वेल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें ठीक है बच्चे तो ब्लू वेल के ऊपर ये क्वेश्चन है गुड मॉर्निंग विशाल सोनी ब्लू वेल यस देखिए यह आर्कटिक महासागर को छोड़कर सभी महासागरों में पाया जाता है मतलब आर्कटिक ओशन के अलावा ये और सारे ओशंस में पाया जाता है ये स्टेटमेंट बताना है सही है या गलत देन इसे IUCN रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय मतलब एंडेंजर्ड स्पीशीज रखा गया है और बताना है कि कौन सा करेक्ट है जल्दी से आंसर कर दो सी फुलित कर आंसर कर चुके हैं और जल्दी से पांच बच्चे आंसर कर दो जल्दी से दिलीपन बी कर रहे हैं कुशपाल सिंह सी अमृता बी दिलीपन बी सोनिया सी सब आंसर कर दो बच्चे सरोज बी ठीक है श्रेया बी ओनली बी तो मोस्टली बी बच्चे कर रहे हैं कुछ बच्चे ओनली टू और कुछ बच्चे कर रहे हैं बोथ अब आप सोच सकते हैं कि यहां पर ऐसा बोला गया है कि फाउंड ऑल ऑल ओशियंस एक्सेप्ट आर्कटिक ओशन तो ये गलत भी हो सकता है डेफिनेटली लेकिन ये एक सही स्टेटमेंट है कि जो हमारी ये ब्लू वेल है ये सारे महासागरों में पाई जाती है एक्सेप्ट एक्सेप्ट कहां पर आर्कटिक ओशन के अलावा आर्कटिक महासागर के अलावा तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है और ब्लू वेल की कैटेगरी आप तो जो भी, जो भी आपकी स्पेशीज हैं जो भी आपको इंपॉर्टेंट uh, लगती हैं या जो मैं बताती हूँ उसको ऐसे नीचे नीचे करके लिखते जाना और इधर लिखना आयु सी एन कैटेगरी एक पेज पर जैसे ये तो आपका पेज है <laughs> तो आपको क्या करना है बच्चे यहाँ पर सारी स्पीशीज के नाम लिख लेना ऐसे एक एक नीचे 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 करके यहाँ पर ऊपर लिखना आईयूसीएन कैटेगरी और उसकी कैटेगरी नीचे ऐसे लिखते चले जाना जैसे कि इंडेंजर्ड का शॉर्ट फॉर्म लिखना है ई e एन भाविन वाय मैम क्या वाय बच्चे बीबी मेघा तोमर श्रद्धा यह सबका आंसर मोस्टली ठीक है देखिए तो इसकी कैटेगरी है एंडेंजर्ड ठीक है तो सी इसका आंसर है दैट इज बोथ अब देखिए ब्लू वेल्स आर दी लिखा हुआ है विशाल वेरी गुड तो सबको ऐसे ही लिखना है ऑल ऑलोशन एक्सेप्ट आर्कटिक यस श्रेया ठीक है देखिए ब्लू वेल्स आर दी लार्जेस्ट एनिमल्स एवर टू लिव ऑन आर प्लैनेट लार्जेस्ट एनिमल्स टू लिव ऑन आर प्लैनेट ठीक है स्विम इन स्मॉल ग्रुप्स में बट आर मोरफन फाउंड अलोन ज्यादातर ये अकेली पाई जाती है या फिर जोड़े में आयुसियन कैटेगरी इनकी है एंडेंजर्ड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को लेकर कि कहां पर है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तो जल्दी से सब आंसर कर दीजिए सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व माया कुमार वेरी गुड मॉर्निंग कोई बात नहीं जो भी क्लास जितना भी पार्ट आपका छोटा है आप रिकॉर्डेड देख लेना बच्चे लेकिन इनमें से एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है और सिर्फ क्वेश्चन नहीं जो पीछे कभी जो और डिटेल्स होती हैं वो भी आपको मिस नहीं करनी है आवाज नहीं आ रही है और किसी को इशू है बिट बच्चे वॉइस में सब बता दो जल्दी से वॉइस में कुछ इशू है बी 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 बच्चे आंसर करना शुरू कर दिया श्रेया हर्षार्या साधना दिलीपन मनीषा गोपाल पटेल सब बी आंसर कर रहे हैं ओके श्रेया साधना गोपाल दिलीपन सब बी आंसर कर रहे हैं विशाल सोनी बी अमृता कुमारी मेघा तोमर कुशपाल सबको आवाज आ रही है ना बच्चे पुलित कोकर डी कर रहे हैं वॉइस क्लियर ओके ठीक है तो फुलित डी कर रहे हैं अब मैं बता देती हूं आपको कि कहां पर लोकेटेड है सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व सब बच्चों ने मोस्टली सही आंसर करा है तमिलनाडु में ही ये लोकेटेड है सत्य मंगलम टाइगर रिजर्व राइट तो सत्यमंगलम कहां पर है बच्चे तमिलनाडु में लोकेटेड है देखिए सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व क्यों ये न्यूज में था क्योंकि यहां पर रिसेंटली एक मेल टाइगर टाइगर वॉज फाउंड डेड ठीक है एक मेल टाइगर जो है मृत यहां पर पाया गया कहां पर सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में दिलीपन आई नोट योर नेम बच्चे ठीक है देखिए तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में एक मेल टाइगर यहाँ पर डेड पाया गया और टाइगर्स की पॉपुलेशन को टाइगर्स को कंजर्व करने के लिए हम इतने एफर्ट्स कर रहे हैं तो टाइगर्स अगर टाइगर अगर कोई मरता भी है तो भी उसकी वो वाली न्यूज इम्पॉर्टेंट होती है ठीक है गुड मॉर्निंग शुक्ला राहुल ठीक है बच्चे तो ये हमारा न्यूज में था सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के बारे में देख लेते हैं कहां पर ये लोकेटेड है इट इज लोकेटेड एट दी जंक्शन जंक्शन मतलब जहां पर जुड़ रहा होता है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट इन द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ठीक है तमिलनाडु में कहां पर लोकेटेड है ये जहां पर ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के जंक्शन पर ये लोकेटेड है तमिलनाडु में गुड मॉर्निंग राखी शर्मा ठीक है यस डेड टाइगर भावना अब देखिए एरिया विद टाइगर रिजर्व हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मुडूमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ है राइट बंदीपुर टाइगर रिजर्व देखिए बंदीपुर कहाँ है कर्नाटका में है तो आधे तो आपके ऐसे ही याद हो जाएंगे बंदीपुर कहाँ बंदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका में है गुड मॉर्निंग अंजलि ठीक है बच्चे यस भावना ईस्टर्न घाट घाट और वेस्टर्न के जंक्शन पर यह है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहां है तमिलनाडु में है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हिमालयन वल्चर को लेकर ठीक है हिमालय गिद्ध जो होता है हिमालयन वल्चर के बारे में हमारा क्वेश्चन है हिमालय गिद्ध ठीक है तो दो स्टेटमेंट दी हुई है हिमालयन वोल्चर को लेकर दो स्टेटमेंट्स यहां पर दी हुई है तो दो हमारी दो स्टेटमेंट यहाँ पर दी हुई है सब ध्यान से देखिए इट इज फाउंड हिमालयाज एंड एडजॉइनिंग तिब्बतन जो प्लेट्यू है जो हमारा हिमालय वाला जो क्षेत्र है वहां पर ये पाया जाता है हिमालय गिद्ध अब ये तो हमें नाम से ही पता चल रहा है ना बच्चे तो हिमालय है तो में तो ये पाया ही जाएगा बेसिक कॉमन सेंस अगर आप लगाएं तो ये आप सही कर सकते हैं गुड मॉर्निंग सचिन तो ये आप सही कर सकते हैं कि ये हिमालयाज में पाया जाता है और एडजॉइनिंग तिब्बतन प्लेट्यू तिब्बतन प्लेट्यूब भी उसके ऊपर ही है एडजॉइन कर रहा है हिमालयाज के पास है तो ये हमारा सही होने के चांसेस है राइट दूसरा है इट इज कैटेगराइज एज एंडेंजर्ड स्पीशीज तो जल्दी से आंसर कर दीजिए सी सी सोनिया अमृता बी करिए सिम सिंपी सी श्रेया ए जल्दी से जब आंसर कर दो तो बच्चे अंजलि सी विशाल बी गुड मॉर्निंग सचिन मेघा तोमर कह रही है क्रिटिकली इंडेंजर्ड नो बच्चे क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है ये नियर थ्रेटेंड ये श्रेया राइट नियर थ्रेटेंड ये है ठीक है तो ये हिमालयाज और उसके एडजॉइनिंग तिब्बतन प्लाट्यू में पाया जाता है हिमालय गिद्ध ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है ये देखिए ये है हिमालय वल्चर देख लीजिए कैसा होता है ये जिसका सर है व्हाइट हेडेड होता है ये ठीक है व्हाइट हेड होता है इसका ठीक है देख लिया सबने तो याद रहेगी आपको इमेज इसकी ध्यान से देख लो सब कि कैसा ये दिखता है तो आपको हिमालय गिद्ध के ऊपर क्वेश्चन है यह हिमालय और जो निकट पर तिब्बती पठार में पाया जाता है सही स्टेटमेंट है दूसरा है लिस्ट में ये लुप्त प्राय है गलत है क्योंकि इसकी कैटेगरी है नियर थ्रेटेंड ठीक है बच्चे नियर थ्रेटेंड इसकी कैटेगरी है तो ये हमारा हो जाता है गलत और पहला हमारा सही है तो केवल एक ए इसका सही उत्तर है पोस्ट, वन ओनली इसका सही आंसर है ठीक है बच्चे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं हमारे क्यों ये न्यूज में था जो संरक्षण वादियों ने जो कंजर्वेशनिस्ट है गुवाहाटी में आसाम में मतलब आसाम राज्य चिड़ियाघर के अंदर हिमालयी गिद्धों की भारत की पहली बंदी प्रजनन सफलता की कहानी लिखी है ठीक है और ये इंडिया में पहली बार हुआ है जो ब्रीडिंग ये किया गया उनका इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ और वर्ल्ड में सेकेंड टाइम इससे पहले वर्ल्ड में कहा हुआ था फ्रांस में ठीक है लाइट ऑफ हो गया महिंद्रा के वहां पर बच्चे क्यों लाइट चली गई देखिए हिमालयन वॉल्चर के बारे में हिमालय जो गिद्ध होता है उसके बारे में और कुछ डिटेल्स में आपको दे देती हूँ तो ध्यान से सुनना है हिमालयन वॉल्चर के बारे में ठीक है बच्चे इंपॉर्टेंट है देखिए क्या हमारा न्यूज में क्या वो आपको पता चल गया इसका हिमालयन गिद्ध या हिमालयी ग्रिफोन गिद्ध एक पुरानी दुनिया का गिद्ध है ठीक है पुरानी दुनिया का ओल्ड वर्ल्ड का ये हमारा है यह एक विशिष्ट गिद्ध है जिसका सिर गंजा सफ़ेद मैं आपको दिखा चुकी हूं कि वाइट हेड इसका होता है राइट व्हाइट हेड इसका होता है बच्चे पंख बहुत चौड़े होते हैं वाइड होते हैं इसके जो पंख होते हैं पूंछ के पंख छोटे होते हैं तो ये कुछ इसकी डिटेल्स है देन हिमालयी और जो पास का जो तिब्बतन प्लैट्यू है वहां पर यह पाया जाता है गुड मॉर्निंग दिव्यांशु चंदन कुमार ठीक है तो वहां पर यह पाया जाता है आई होप सब याद रखेंगे कहां पर पाया जाता है कहां पर पाया जाता है सब एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो कि हिमालयाज एंड तिब्बतन प्लेट्यू में ठीक है IUCN कैटेगरी इसकी क्या है खतरे के करीब है मतलब नियर थ्रेटंड इसकी IUCN कैटेगरी है क्या है इसकी IUCN कैटेगरी नियर थ्रेटंड है बच्चे नियर थ्रेटंड है इसकी IUCN कैटेगरी ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं जल्दी से नागार्जुन सागर श्री सलाइम ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा लार्जेस्ट इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ये है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व इंडिया का ये है नागार्जुन सागर श्री टाइगर रिजर्व तो जल्दी से आंसर कर दो कि ये कहां पर कौन से स्टेट में ये लाए करता है कविता निगम गुड मॉर्निंग बी गोपाल पटेल श्रेया दिलीपन बी एम कुमार कुशपाल विशाल मेघा तोमर सब मोस्टली बच्चे आंसर कर रहे हैं यही बी वेरी गुड पुष्पाल मेघा श्रेया इरफान अली पूजा तेवतिया सब मोस्टली बी आंसर कर रहे हैं और बी ही इसका करेक्ट आंसर है कहाँ पर है ये नागार्जुन सागर सी स्लाइम टाइगर रिजर्व बच्चे नागार्जुन सागर श्री स्लाइम टाइगर रिजर्व लोकेटेड है स्थित है कहां पर आंध्र प्रदेश में ठीक है ये देखिए क्यों ये न्यूज में था क्यों ये खबरों में था ये मैं आपको बता देती हूं ठीक है बच्चे ध्यान से सुनो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी मैं आपको बता चुकी हूं कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण प्राधिकरण है बताएंगे कि ये कौन से एक्ट के अंतर्गत बनी हुई है सब कमेंट बॉक्स में लिख दो कि ये कौन से एक्ट के अंतर्गत बनी हुई है आपका ये टेस्ट क्वेश्चन है क्योंकि हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो एन जो है दैट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी आपको बताना है कि कौन से एक्ट कौन से अधिनियम के अंतर्गत ये बनी जल्दी से सब चार्ट बॉक्स में लिख दो ठीक है बच्चे जल्दी सब लिखो कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी दैट इज राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण प्राधिकरण कौन से एक्ट में बनी इसने रिसेंटली क्या बोला दैट कैटल ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट एंड फिशिंग इन द बैक वॉटर्स ऑफ इस टाइगर रिजर्व में डैम्स में आर पोजिंग अ बिग थ्रेट टू टाइगर्स टाइगर्स को नुकसान पहुंचा रहा है ठीक है इस रिजर्व में देखिए क्या न्यूज है हाल ही में इसने चिंता जताई नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वेरी गुड एवरीवन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ही इसका सही आंसर है सबको याद रखना है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हमारी बनी किसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत राइट right? तो देख लीजिए क्यों ये न्यूज़ में था देखिए इसने हाल ही में चिंता जताई कि जंगल में चरने वाले जो भी मवेशी और श्री सलायम नागार्जुन सागर बांधों के जो बैकवाटर्स में अवैध मछली पकड़ना जो है वो हमारे जो टाइगर्स हैं इस टाइगर रिजर्व में उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है उसके थ्रू इस चीज के थ्रू राइट तो ये हमारे न्यूज में था अब नागार्जुन सागर श्री सलाम टाइगर रिजर्व के बारे में कुछ स्पेसिफिक कुछ स्पेशल फैक्ट्स हम कर लेते हैं कहां पर ये लोकेटेड है ये लोकेटेड है नला मल्ला हिल्स ये भी बच्चे ध्यान देना नला मल्ला देखिए न से नागार्जुन और न से नल्ला मल्ला तो याद रखना नागार्जुन है नल्ला हिल्स में लोकेटेड ठीक है कौन से राज्य में आंध्र प्रदेश में ईस्टर्न घाट तो आपको पता ये आंध्र प्रदेश में ईस्टर्न घाट है वेस्टर्न घाट तो है नहीं वेस्टर्न घाट कितने राज्यों से पास करते हैं ये बताइए सब कि वेस्टर्न घाट ये भी मैं आपसे पूछ चुकी हूँ ज्योग्राफी में आई थिंक मैराथन में जिसने वो नहीं देखी है देख लेना कि कितने स्टेट्स वेस्टर्न घाट पास करते हैं जल्दी से तब बता दो कि वेस्टर्न घाट कितने स्टेट से पास करते हैं मल्ला हिल्स ये yes, सो नल्ला मल्ला हिल्स टाइगर रिजर्व ये हमारा पास करता है जो कि ईस्टर्न घाट में है आंध्र प्रदेश में है छह स्टेट दिलीपन वेरी गुड ठीक है विशाल सोनी छह है बच्चे Uh, सरोज गोरा विशाल दिलीपन वेरी गुड बच्चे सिक्स सिक्स स्टेट से पास करता है विशाल भावना बच्चे स्टेट से पास करता है सिंपी नो no, स्टेट से बच्चे पास करता है ये लास्ट जो हमारी ज्योग्राफी की मैराथन थी उसमें ही मैंने बताया था एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ये पूछा जा चुका है यूपीएससी पूछ चुका है कि कितने राज्यों से हमारा वेस्टर्न घाट पास करता है और कितने राज्यों से हिमालयास

एक क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको करा चुकी हूँ दो क्वेश्चन बल्कि करा चुकी हूं स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को लेकर ठीक है राज्य आपदा प्रबंधन जो हमारी प्राधिकरण है उसको लेकर अब ये है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए को लेकर दो स्टेटमेंट्स हमारी दी हुई हैं जल्दी से बता दीजिए कि क्या इसका करेक्ट आंसर होने वाला है फिर मैं आपको बताऊंगी पहला स्टेटमेंट है कि ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है कि ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी हमारी है। नॉन स्टैट्यूटरी क्या होता है बच्चे नॉन स्टैट्यूटरी? बी भावना ने आंसर करा है सबसे पहले देन सोनिया गोस्वामी बी विशाल बी दिलीपन बी बी इज दिस मार भी बी है।, है बता रही है पुष्पाल डी ठीक है बच्चे जल्दी से सब आंसर कर दो फिर मैं आपको बताने वाली हूँ अमृता सी पुलित सी ओके देखिए पहला है कि ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है गैर वैधानिक निकाय ये है नॉन स्टैट्यूटरी क्या होता है स्टैट्यूट मतलब होता है बच्चे लॉ तो अगर कोई बॉडी कोई भी आयोग कोई भी प्राधिकरण बिना किसी एक्ट के बिना किसी अधिनियम के वो बनी हुई है ठीक है उस बॉडी को हम नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं तो एनडीएमए दैट इज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ना कि नॉन स्टैट्यूटरी यस आशु राइट देखिए तो ये क्या है गलत है क्यों क्योंकि एनडीएम में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हमारी बनी अंडर मैं बता चुकी हूं ऑलरेडी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत ये बॉडी हमारी बनी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत हमारी ये बॉडी बनी बच्चे आपदा प्रबंधन अधिनियम ठीक है 2005 में जो ये आया आया था ये मेनली 2004 में सुनामी आई थी हमारे इंडियन ओशियन में मैंने बताया था और उसके बाद ये एक्ट सरकार को लाना पड़ा यस yes, 2005 हजार पांच सरोज आशु दिलीपन वेरी गुड लबासना ने बताया है कि ये होम मिनिस्ट्री के अंदर है वेरी गुड ये हमारा गलत है ये भी क्यों क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसिस केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत ये नहीं आती है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये आती है फिर ये आती है हमारी गृह मंत्रालय के अंतर्गत दैट इज होम मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ये श्री आर राइट ठीक है यस मेघा ओके तो ये हमारी आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दैट इज ग्रह मंत्रालय के अंतर्गत ठीक है बच्चे तो ये आपको याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में आती है तो दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हो गए और इसका आंसर है डी जो कि कुशपाल ने सही आंसर हमारा किया था ठीक है कुशपाल का ये आंसर सही था और भी बहुत बच्चों का ये सही था ठीक है बच्चे तो होम मिनिस्ट्री आपको जरूर पता होना चाहिए और ये दोनों ही एनडीएम में और एसडीएम में दोनों ही बनी है इस एक्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 आपदा प्रबंधन जो अधिनियम 2005 में आया उसके अंतर्गत कोई नहीं भावना बच्चे गलत गलतियों से आपको नहीं डरना है गलतियों से सीखना है इसीलिए मैं एक क्वेश्चन को अलग तरीके से भी दोबारा आपको यहां पर क्लास में करा देती हूं कि जिससे अगर आप यहाँ पर जितनी भी गलतियां करनी है वो यहीं पर कर लें प्लीज पेपर में जाकर कोई आप गलती ना करें ठीक है बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं दैट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से पहले अगर किसी ने आपने अभी तक या फिर आप क्लास के लास्ट में नहीं किया है तो इसको वीडियो को सेशन को हमारा लाइक एंड शेयर कर देना जिससे कि सब ये एनवायरमेंट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सके ठीक है सब ये एनवायरमेंट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सके एनवायरमेंट को अपना स्ट्रॉन्ग बनाकर जाना है गुड मॉर्निंग विजेश yes, Megha, सही बात मेघा ने बोली है मेघा कह रही है कि जो हम गलती करते हैं अगर जो हम गलत करते हैं वो हमारे याद रहता है वेरी राइट right. मेरे साथ भी यही सेम होता था कि जो अगर हमने क्वेश्चन गलत कर दिया ना वो ज्यादातर अच्छे तरीके से याद रहता है और जो सही किया वो तो याद रहेगा ही ना वो तो नॉलेज है मतलब हमें तो जो गलत किया है वो याद रहता है इसीलिए तो प्रैक्टिस आपका इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना क्वेश्चन को ठीक है बच्चे प्रैक्टिस बेस्ट तरीका है कुछ भी सीखने का कुछ भी याद रखने का हर चीज का सी बच्चे आंसर कर रहे हैं सब मनीषा सरोज गोरा ए कर रही हैं जल्दी से आंसर कर दो खोकर बी अंकिता सी श्रेया सी जल्दी से आंसर कर दो बच्चे देखिए मैंग्रोव्स हमारा बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका करके जाना मैंग्रोव से ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है यूपीएससी में तो क्या इंपॉर्टेंट है मैंग्रोव का कि मैंग्रोव्स के बारे में जो डिटेल्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए बच्चे ध्यान से सुनो कि क्या पढ़ना है मैंग्रोव का जो भी डिटेल्स हैं ये आपको पता होनी चाहिए कि कहा मैंग्रोव्स पाए जाते हैं फिर इंडिया में आपको पता होना चाहिए इनकी लोकेशन कि इंडिया में मैंग्रोव कहां, कहां है ठीक है तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में मैंग्रोव कहाँ कहाँ है आशु कह रहे हैं कि आई यू हैव वन क्वेश्चन क्या हम आई भी एस आई को एग्जाम दे सकते हैं क्या यूपीएससी के साथ मैम यस डेफिनेटली आशू ठीक है आई बी एस ऐसे एग्जाम की तैयारी कोई भी अलग से नहीं करता है कि करने बैठ गए हम आई बी की तैयारी नहीं जो और एग्जाम की तैयारी करते हैं मोस्टली बच्चे वही देते हैं तो आई बी एस आई ओ की आप डेफिनेटली दे सकते हैं इस एग्जाम को अगर आप यूपीएससी पर भी फोकस करके बस कुछ और एक्स्ट्रा चीजें आपको करनी होगी फैक्चुअल क्योंकि ये थोड़ा पेपर आता है तो वो आपको देख लेना होगा ठीक है मैंग्रोव फॉरेस्ट गुजरात सुंदरबन यस ठीक है बच्चे तो मैंग्रोव्स की हम बात करें देख लेते हैं ये स्टेटमेंट इनकी विशेषता घने नमक सहिष्णु पेड़ और पौधे हैं जो कि अंतर्जावरीय क्षेत्रों से में पनपते हैं दूसरा है ये मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय मतलब ट्रॉपिकल और उपोष्ण कटिबंधीय अक्षांशों में पाए जाते हैं ठीक है और ये दोनों स्टेटमेंट ही हमारी सही है इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सॉल्ट टॉलरेंट टॉलरेंट ट्री जो tolerant trees, जो ट्रीज ठीक है पेड़ जो बाई पर होते हैं वो सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं ठीक है बच्चे और कहां पर ये मेनली पाया जाता है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल लैटीट्यूड ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल लैटीट्यूड सब ये चार्ट बॉक्स में लिख दो कि कहां पर ठीक है तो ये दोनों स्टेटमेंट ही हमारी सही है ठीक है तो इसका आंसर है सी अब मैं मैंग्रोव्स के बारे में आपको दे ये ये देखिए ऐसे होते हैं मैंग्रोव्स आपको इनकी रूट थोड़ा ऊपर दिख रही होंगी है ना जड़ जो इनकी है ऊपर दिख रही है ना ये देखिए ऊपर को है दिख रही है ना रूट्स ऊपर तो इनकी रूट्स अलग तरीके की होती है जिनको हम न्यूमैटो फोर्स न्यूमैटो फोर्स या फिर प्रॉप रूट्स भी कहते हैं ठीक है थीके? तो स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ रूट्स इसमें होती हैं फोर्स जिनको हम कहते हैं सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं कि मैंग्रोव्स अभी रिसेंटली क्यों हम मैंने आपको पढ़ाया है क्यों ये न्यूज में था। थाुलित क्या कह रहे हैं आप बिकॉज ऑन संडे सेम ठीक है बच्चे देखिए मैंग्रोव पर पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है तो इंटरनेशनल मैंग्रोव डे मनाया जाता है तो ने बहुत सही बता रहे हैं कि मैंग्रोव जो हमारे होते हैं क्या काम इनका होता है साइक्लोन्स वगैरह से बचाते हैं ठीक है इसलिए अगर साइक्लोन्स वगैरह से या फिर किसी भी आपदा से उसको रोकने के लिए उसको कम प्रभाव उसका करने के लिए मैंग्रोव्स ग्रो करने के लिए बोला जाता है ठीक है बच्चे मिष्टी यस मिष्टी स्कीम भी है वेरी गुड जो कि बजट में लॉन्च करी थी गवर्नमेंट ने मैंग्रोव पर ही ये फोकस करती है वेरी गुड ठीक है यस आशु तो कब मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय डे यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि कब मनाया जाता है लेकिन अगर आप किसी भी पीसीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चे क्योंकि डेज वहां पर पूछे जाते हैं तो याद रख लो अगर आपको नहीं याद होता है तो मैं आपको बता देती हूँ मेरा बर्थडे आता है छब्बीस जुलाई को और तो याद कर लो कि प्रीति मैम का बर्थडे है छब्बीस जुलाई को और छब्बीस जुलाई को ही इंटरनेशनल मैंग्रूव डे हम मनाते हैं सब लिख दो प्रीति मैम का बर्थडे कब है छब्बीस जुलाई ठीक है सबको याद रहेगा प्रीति मैम का बर्थडे ट्वेंटी सिक्स जुलाई ट्वेंटी सिक्स जुलाई फिर इंटरनेशनल मैंग्रोव जे मैं आपने पढ़ाया था ठीक है देखिए अब होते होते क्या है? क्या मैंग्रूव यूनिक कोस्टल मतलब की तटीय ठीक है तट पर ये पाए जाते हैं फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में डेंस सॉल्टॉल ये होते हैं न्यूमेटोफोर्स मैं आपको बता चुकी हूं ठीक है बच्चे ये देख लीजिए आशु हिवास आज नहीं है बर्थडे बच्चे दिलीपन छब्बीस जुलाई तो गया एडवांस कर रहे हो तभी करना एडवांस करने की क्या जरूरत है यस भावना ठीक है याद रखना सब छब्बीस जुलाई हाँ छब्बीस जुलाई ट्रीट आनंद कुमार डेफिनेटली ठीक है छब्बीस जुलाई क्योंकि आएगा, के बाद में, और जो -जो क्लियर इन बच्चों में से इस बार उनको ट्रीट प्रीति मैम की तरफ से ठीक है बच्चे देखिए सन्यासी पंडित थैंक यू सो मच ये मैं आपको याद कराने के लिए बोला है अब देखिए हम पढ़ लेते हैं कुछ मैंग्रूव्स में आपको इंडिया में बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ पर मैंग्रूव्स भारत में पाए जाते हैं गुड मॉर्निंग सत्यनाटायन सत्यनाटायन मुखिया थैंक यू सो मच देखिए तो कहां, कहां पर मैंग्रोव्स भारत में पाए जाते हैं ये हम देख लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ चुकी है तो अगली बार के लिए तैयार रहना है यह साधना ठीक है, है। हो गया होगा छब्बीस जुलाई यादव सबको ये देखिए सबसे पहले है सुंदरबन सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है और ये लार्जेस्ट मैंग्रोव यहाँ पर है लार्जेस्ट जो मैंग्रोव का एरिया है क्षेत्र है वो यहाँ पर ही है फिर यहाँ है का का भी याद रखना महानदी डेल्टा पर भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आंध्र प्रदेश में गोदावरी कृष्णा मैंग्रोव है पिछावरम है पिछावरम का है तमिलनाडु में है मुथुपेट भी तमिलनाडु में है ठीक है ये पुना कयाल है केरला कन्नूर केरला करवार गोवा मैंगू रत्नागिरी रत्नागिरी महाराष्ट्र मुंबई गल्फ ऑफ खंब गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में है ठीक है बच्चे और यहां अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी है ठीक है तो ये कुछ जगह है यह सिर्फली ठीक है बच्चे तो सब देख लेना नेक्स्ट हमारा होने वाला है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको इसे देखकर बताना है कि क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है देखिए कूड़ा आपको दिख रहा है कैसा कूड़ा ये प्लास्टिक तो प्लास्टिक पर ही हमारा ये क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन प्लास्टिक को लेकर है वेस्ट बंगाल उड़ीसा तमिलनाडु तो अंडमान यस बच्चे श्रेया सिर्फ वेस्ट बंगाल उड़ीसा ऐसे राज्य नहीं याद रखने हैं जो नाम मैंने आपको बताए हैं जिसकी मुथुपेट बीतरकनी का ये नाम आपको करनी है श्रेया ठीक है तो इसकी पीपीटी आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्लीज वहां से अच्छे से देख लीजिएगा यह yes, सन्यासी पंडित सबसे ज्यादा लार्जेस्ट मैंने बताया सुंदरबन में है वेस्ट बंगाल में जो कि ठीक है बच्चे तो प्लास्टिक पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली अर्थ ने विटनेस करा प्लास्टिक ओवरशूट डी पृथ्वी का पहला प्लास्टिक ओवरशूट डे अभी हमने विटनेस किया क्या डे था बच्चे प्लास्टिक ओवरशूट डे कब 28 जुलाई को 28 जुलाई को पृथ्वी ने पहला प्लास्टिक ओवरशूट दिवस देखा तो क्या मतलब होता है प्लास्टिक ओवरशूट का अर्थ ओवरशूट डे हम ऑलरेडी सुनते आ रहे हैं अभी पहला पृथ्वी का प्लास्टिक ओवरशूट डे हमें देखने को मिला यस yes, कुमार प्लास्टिक वेस्ट तो बताना है दो ही ऑप्शन मैंने आपके लिए सिर्फ रखे हैं कि क्या है प्लास्टिक ओवरशूट डे जल्दी से सब बता दो 28 जुलाई को मनाया गया यस yes, वो छोड़ो बताओ कि प्लास्टिक ओवरशूट डे क्या है आपका मेरा टेलीग्राम कविता निगम आपको नहीं मिला यूपीएससी विद प्रीति मैम देखिए ये आप सर्च कर लीजिए अदरवाइज वीडियो के नीचे भी होता है लिंक यूपीएससी विद प्रीति मैम तो सब इसका आंसर जल्दी से कर दीजिए आई वॉन्ट योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज प्लास्टिक ओवरशूट डे किसको हम कहते हैं <laughs> देखिए पहला स्टेटमेंट है इट मार्क्स द डेट मतलब वो दिन जब ह्यूमैनिटीज डिमांड जो हमारी जो डिमांड है जिकल रिसोर्सिस की एंड सर्विसेस की इन अ गिवन ईयर एक्सीड्स वॉट अर्थ कैन रीजन वेड जो भी सर्विसेस हमें पृथ्वी से चाहिए वो ज्यादा हो जाती है जो भी पृथ्वी दे सकती है ये चीज तो ये क्या है गलत है ये नहीं है इसको बच्चे हम कहते हैं अर्थ ओवर शूट डे क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है प्रित्वी, प्रित्वी की पूरी बात चल रही है ठीक है अब पॉइंट इन अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जो भी प्लास्टिक का जो कूड़ा है जो वो जनरेट हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है ग्लोबली वर्ल्ड लेवल पर हम बात कर रहे हैं जो वेस्ट मैनेजमेंट की जो कैपेसिटी है ठीक है वो उससे ज्यादा हो रहा है बी यस yes, भावना ठीक है सब बच्चे श्रेया बी सत्यनट बी गोपाल ओके okay, तो बी इसका सही आंसर है ये ठीक है यह उस वर्ष का वह बिंदु है जब उत्पन्न प्लास्टिक कचरे की मात्रा वैश्विक कचरा प्रबंधन क्षमता से अधिक हो जाती है ठीक है तो ये याद रखना है अर्थ प्लास्टिक ओवरशूट डे एक सेकेंड तो प्लास्टिक ओवरशूट डे की जब हम बात कर रहे हैं तो प्लास्टिक ओवरशूट डे की जब हम बात कर रहे हैं तो एक स्विस बेस्ड स्विस बेस्ड कंसल्टेंसी एक है दैट इज अर्थ एक्शन अर्थ एक्शन एक रिपोर्ट निकाली उसने दैट इज अर्थ ओवरशूट डे ये प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट ठीक है स्विस बेस्ड एक फर्म है जिसने की अर्थ एक्शन उसका नाम है उसने रिपोर्ट निकाली प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट क्या गलत रहे हैं मैंने ध्यान ही नहीं दिया तब से जस्ट वेट ठीक है कर दिया है, मैंने बच्चे वो डिलीट आई डिडंट सी दैट कमेंट अब देखिए तो स्विस बेस्ड एक फर्म है अर्थ एक्शन इसने निकाली प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट ठीक है और भी कोई डिस्टर्बेंस आपको हो तो प्लीज टेल मी कमेंट में आप बता सकते हैं तो देखिए अर्थ एक्शन ने निकाली ध्यान से सुनिए अब प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट ठीक है किसके बेसिस पर ये रिपोर्ट निकलती है ये बताती है कि कौन सा देश कितना प्लास्टिक जनरेट कर रहा है कितना प्लास्टिक कौन सा देश जनरेट कर रहा है ओके बच्चे तो उस कितने कि, कि, किस चीज के बेस पर जो हमारा एक इंडेक्स है उसके बेसिस पर और इसमें इंडिया की रैंक है फोर्थ पूरे दुनिया में चौथी रैंक पर भारत है प्लास्टिक जनरेट करने में कुमार ब्लॉक कर दिया है है मैंने ठीक बच्चे तो ये हमारा आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था सत्यनाटय बच्चे ये दस से ग्यारह क्लास होती है दस बजे आप आ जाया करें ओके बच्चे यस वेस्ट मोर देन मैनेजमेंट वेरी गुड शॉर्ट में ठीक है तो कल मिलेंगे दस बजे तैयार रहना पर्यावरण के एक मोस्ट एक्सपेक्टेड एम्स करने के लिए एंड थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए ठीक है बच्चे कोई भी बैच अगर आप अडर डू फोर सेवन इसका लेना चाहते हैं तो मेरा कोड दैट इज पी लाइव लगाकर ले सकते हैं डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा और डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा और अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट मेंटोरशिप मेरी डायरेक्ट आपको बात करनी है तो वो भी आपको मिल जाएगी बच्चे ठीक है तो यहां पर आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो आपको दिख रहा होगा इस नंबर पर कॉल करके आप बोल सकते हैं कि प्रीति मैम के थ्रू हमें ये बैच लेना है सुमिता शर्मा इस क्लास की पीपीटी आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर बच्चे ठीक है ओके बाय एवरीवन थैंक यू सो मच